आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल एडसेंस से जो पेमेंट आप तक पहुंचता है वाया इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र, इंडिया में इसी से आता है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट, तो वो किन किन स्टेज से कैसे कैसे प्रोसेस होकर आप तक पहुँचता है, उसके बाद कितना समय लग जाता है इसमें और कितना लीगली लगना चाहिए समय, और कितना दिन वेट करना चाहिए, वेट करने के बाद अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपके बैंक से या फिर गूगल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कब कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कितने दिन के बाद कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है, और क्या होता है फाइनली अगर आपका पेमेंट जो कहीं मिस प्लेस हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है पेमेंट के साथ, तो क्या वो पेमेंट जो है आपको आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में वापस चला जाता है या फिर आपको किसी तरह से उसे अपने बैंक से ही इशू कराना पड़ता है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वो मैं इसलिए इस वीडियो को आज बना रहा हूँ बिकॉज मतलब पहली बार मैं इस तरह के चक्कर में फंस गया था, मेरा पेमेंट जो है इस तरह फंस गया था, आज जाके पेमेंट मिला है मुझे और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो ताकि आप भी घबराएं नहीं। मैं बहुत घबरा गया था कि गिव अवे का सब गिफ्ट उफ्ट देना है, कहाँ से लाऊंगा पैसे, तो वीडियो भी डर के इसलिए नहीं बना रहा था, लेकिन आज अब बना दिया। तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो पेमेंट जो है इंडिया के लिए जो पेमेंट है वो गूगल द्वारा 21 हर महीने के 21 तारीख को अगर आपका $100 से ऊपर क्रॉस कर जाता है अर्निंग तो आपको भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे गूगल एडसेंस इंडिया के लिए जो है वो उसका सिटी बैंक है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, सिटी बैंक न्यूयॉर्क से आपका पेमेंट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है वाया इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए वहाँ से 21 तारीख को जैसे ही आपको मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका वी हैव गुड न्यूज़, आपको आपके मेल में आता है ना कि आपका पेमेंट जो है रिसेंट पेमेंट जो है भेज दिया गया, आप चेक कीजिए, तो वैसे ही वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है सिटी बैंक न्यूयॉर्क से आपके अकाउंट तक। अब उसके बाद पेमेंट जाके कहाँ फंसता है थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए दो केस होते हैं, या तो आपका जो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है अगर छोटे शहर में है तो उसमें उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है, यानी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो होता है वहाँ पे नहीं होता है, तो उस केस में आपने दूसरे बैंक का स्विफ्ट कोड दिया होगा जहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता है डेफिनेटली बड़े शहर का। तो अगर आपके बैंक वो पेमेंट जो है आके वहाँ पे स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में जाता है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है करेंसी कन्वर्शन होता है, एक्चुअली वहाँ पे जाता है और जाने के बाद मैन्युअली जो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज होते हैं फॉरेक्स के, फॉरेक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, वो उनके सामने रहता है सारा करेंस जो आया हुआ है उसको वो मैन्युअली अप्रूव करते हैं, ठीक है। जब अप्रूव करते हैं वो तभी जाके वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसी बैंक में आपका अकाउंट है स्विफ्ट वाले में तो भी उसी समय हो जाएगा, और अगर जैसे ही अप्रूव होगा अगर दूसरे कहीं गांव में भी बैंक उसी बैंक में है डेफिनेटली बैंक सेम है इसलिए समय नहीं लगता है ना, तो अप्रूव जैसे ही अप्रूव करेगा आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है वो जो ऑफिसर है इंचार्ज है वो कितना मतलब एक्टिव है, कितना उस पर बर्डन है, उसके हिसाब से वो समय लेके वो चाहे तो अगले दिन ही कर देगा, ठीक है, अगले दिन ही कर सकता है, उस दिन भी कर सकता है, ठीक है। तो क्यू में कितना ऑर्डर्स पे आपके हैं उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना एक्टिव है वो, कैसा उसका माइंडसेट है, उसके हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकता है चाहे तो, क्योंकि मुझे आज तक से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। तो आमतौर पर मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक के बीच में, जैसे 21 को पेमेंट आता है तो अगर संडे वनडे नहीं पड़ता है तो 23-24 तक पेमेंट किसी हाल में बैंक में आया था, मुझे भी 2 साल तक हमेशा रेगुलरली आया हुआ है 2 से 3 दिन के अंदर। हाँ एक बार हुआ था ऐसा कि 8-9 दिन लग गए थे लेकिन आ गया था, मैंने किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको कितना दिन वेट करना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे 7-8 दिन क्रॉस हो रहा है तो आपको सबसे पहले तो अपने बैंक अकाउंट में बैंक के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बैंक के पास भी जाएंगे तो बैंक में क्या बोलेंगे आप कि हमारे गूगल से पेमेंट आया, वो बैंक बोलेगा कि आपका UTR नंबर दो, ट्रांजैक्शन नंबर दो, ये हम चेक करेंगे उससे, तो वो आपके पास होता नहीं है। आप बोलेंगे कि गूगल एडसेंस से पेमेंट मेरा USA से आया तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर वो फॉरेक्स एनेबल ब्रांच है तो वो इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ब्रांच जो है फॉरेक्स एनेबल नहीं है गाँव में कहीं तो वो तब तक उनको पता ही नहीं होता कि आपने किस बैंक का स्विफ्ट कोड दिया हुआ है गूगल को, किस बैंक से वो कॉन्टैक्ट करें,
एक बार उस ब्रांच से जब अप्रूवल होता है तभी आपके बैंक में आता है, आपके अकाउंट में आता है। स्विफ्ट वाला जो आपका ब्रांच है वहाँ से जो फॉरेक्स इंचार्ज है वो अप्रूव करेगा, तभी आपके बैंक ब्रांच में आएगा और वो लोग जानेंगे उस चीज़ के बारे में। लेकिन उन्हें आप जाकर पूछेंगे आपके गांव में अगर कि भाई मेरा प्रीपेमेंट आया, तो वो तो उन्हें पता नहीं किस ब्रांच के आपने स्विफ्ट कोड दिया, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो उनकी भी मर्जी ये होती है। हम समझते हैं कि बैंक वाले ही हालांकि करते हैं बदमाशी, लेकिन यहाँ पे अगर फॉरेक्स इनेबल ब्रांच नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उनके पास पेमेंट आने के बाद वो वापस होल्ड लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स इनेबल ब्रांच है तो वो ट्रैक कर सकते हैं पेमेंट को, आप बोलेंगे तो वहाँ पे उनके पास होल्ड रहता है, वो देख सकते हैं, फॉरेक्स इंचार्ज जो ऑफिसर वो बता सकता है। तो वैसे मैं जो है 7 दिन के बाद बैंक में गया, आपने पूछा बार बार, उन्होंने कुछ बताया कि कोई हमारे पास क्ल्यू नहीं है इस चीज़ के बारे में, UTR नंबर दीजिए, कुछ दीजिए, कहाँ से मिला था, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद फाइनली मैंने छोड़ दिया, मैं सोचा कि चलो 50 गूगल कहता है कि अगर आपका 15 वर्किंग डेज अलाउ कीजिए हमें, अगर 15 वर्किंग डेज बैंक के 15 वर्किंग डेज तक आपको पेमेंट अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, 15 डेज से पहले अपने ब्रांच को कांटेक्ट कीजिए, अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए, अगर वो फॉरेक्स इनेबल है तो उस ब्रांच पे जाइए जो फॉरेक्स इनेबल है जिसका आपने स्विफ्ट कोड दिया है वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कीजिए, ना कि अपने बैंक में। अगर वहाँ से कुछ क्ल्यू नहीं मिला तो आप 15 दिन के बाद, अगर कुछ भी पता नहीं चलता है तो 15 दिन के बाद, 15 वर्किंग डेज के बाद आप गूगल एडसेंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गूगल के उसमें। उसके बाद गूगल क्या करेगा, सिटी बैंक नेटवर्क से पूछेगा कि जो पेमेंट इसको हुआ था वो प्रोसेस हुआ नहीं, वो देखेगा। वहाँ देखने के बाद जो होता है वो सब कुछ वो फिर बैंक वापस चेक करता है, इंडिया में जो बैंक है फॉरेक्स में उससे पूछता है कि क्या भाई क्या हुआ पेमेंट का है, तो वहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब देखिए हुआ क्या मेरे साथ, मेरा 14वां दिन यानी 4 तारीख को मुझे कॉल आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉरेक्स जो इंचार्ज थे जहाँ का मैंने स्विफ्ट कोड दिया था, उनका फ़ोन आया कि भाई धर्मेंद्र जी आप बोल रहे हैं, बोले हाँ, तो आपका जो पेमेंट है इतने इतने डॉलर्स का जो है वो हमारे यहाँ रिमिटेंस के लिए पड़ा हुआ है, रीज़न ये है हमने उसे होल्ड पे लगाया हुआ है, रीज़न ये है कि आप अब जो है थोड़ा पॉलिसी में चेंज हो गया, अगर हायर अमाउंट ऑफ आपको पहले मतलब 1 लाख से ऊपर आपको पैसा आता है तो आपको जो है एक फॉर्म उसने उन्होंने मुझे बताया, फीमा डिक्लेरेशन FEMA डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म है, ये जो है वो फिलअप करना होगा, फिलअप करके मुझे भेजना होगा अपना सिग्नेचर के साथ, इसमें रीज़न बताना है आपको कि ये जो है किस चीज़ के लिए है, क्यों आया है, पर्पज़ क्या है इसका, ठीक है, ये डिफाइन करके आपको हमको भेजना है वापस अपने सिग्नेचर के साथ, ठीक है, इसलिए मैंने होल्ड, सबसे पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न वो जो है आपका बैंक जो है KYC अगर अपडेट नहीं हो तो उस चीज़ के लिए वो होल्ड लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो है फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि पेमेंट जो था वो लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा था, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार लाख से क्रॉस किया है, बट ये जो ऑफिसर इंचार्ज थे मैंने बोला उनसे कि मैं तो 2 साल से लगभग रिसीव कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे फॉर्म के बारे में पूछा नहीं था, तो ये डिपेंड करता है ऑफिसर के बारे में या फिर जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनके हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये दिस इज़ मैंडेटरी नाउ, आपको एटलीस्ट एक बार तो ये भरना पड़ेगा। तो मैंने फिर उसके बाद मैं फॉर्म जो है भरने के बाद जो है उन्हें ईमेल कर दिया अगले दिन, और तब जाके आज जो है वो पेमेंट जो है रिलीज हुआ है और पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया है। तो मतलब ऐसा चीज़ है, ठीक है, मैंने मतलब कई बार सुना था कि ICICI बैंक HDFC बैंक वाले इस डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बोलते हैं, पर्पस पूछते हैं क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है बल्कि मुझे स्टेट बैंक में कभी नहीं पूछा था, पहली बार ऐसा पूछा इतने दिनों के बाद। तो मुझे यही लगता है कि ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं फॉरेक्स के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है क्या नहीं, मतलब ये मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ठीक है, इसलिए होल्ड लगा के रखा था उन्होंने। चलिए अब आगे की चीज़ बता दूँगा आपको कि सपोज कर लीजिए कि 15 दिन बीत जाते हैं, आपको ना बैंक से क्ल्यू मिलता है कुछ, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो आप सीधे गूगल एडसेंस का से कॉन्टैक्ट कीजिए कि हमें जो है वो पेमेंट नहीं मिला है, तो गूगल एडसेंस जो है वापस जो है आपके पेमेंट, आपके जो पेमेंट है वो ट्रैक करें कहाँ पे एरर है कहाँ फंसा हुआ, वहाँ से करके विदिन, आप घबराइए मत, आपका जो पेमेंट है वो मिस नहीं होगा, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट है वो सेफली आपके वापस एडसेंस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रिटर्न कर दिया जाएगा बैंक द्वारा, चाहे जहाँ पे भी गड़बड़ हुआ हो वहाँ से वापस, एक लिमिट है 15 डेज, उसके बाद रिटर्न कर दिया जाता है गूगल को।
गूगल जो है विद इन 1 or 2 वीक आपके एडसेंस अकाउंट में फिर वापस वहाँ पे डाल देता है, वो ऐड कर देता है, और आपको नेक्स्ट पेमेंट साइकिल यानी अगले महीने जो है जो बिलिंग होता है किस तारीख को उसमें ऐड करके आपको वो पेमेंट जो है मिल जाएगा वापस। तो आप इस चीज़ के लिए घबराए नहीं। तो ये चीज़ हुआ था मेरे साथ, मैं घबराया था काफ़ी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप और भी कुछ पेमेंट के से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं फ्री हूँ, मैं रिप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।